एरर आता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आ सकता है कि शायद मैंने इंस्टॉलेशन करते वक्त कुछ गलती कर दी। अब बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल है कि चलो ठीक है, हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा ऑटोकैड का वर्जन यूज़ करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक दे देता हूँ, सबसे पहले वो वीडियो देखिए कि एक्चुअली हमें कौन सा ऑटोकैड का वर्जन यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि चलो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको ऑटोकैड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, अब आपको उस वर्जन को फॉर एग्जांपल 2020 या फिर 22 का ऑटोकैड वर्जन आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये इंस्टॉल करना है, तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होंगी इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए वीडियो के स्टार्ट में ही मैं आपको बता दूँ, आपका मैं समय यहाँ पर नहीं लूँगा, कि मैं यहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं बताने वाला हूँ कि आपको किस तरह से फाइल डाउनलोड करनी है, देन किस तरह से कहाँ पर क्लिक करना है और किस तरह से ये सब इंस्टॉल वगैरह हो जाएगा। बेसिकली मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप ऑटोकैड किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो या फिर आपका वर्क मोड किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वर्किंग किसी स्पेसिफिक प्लगइन के लिए, अब प्लगइन का मतलब क्या हुआ, फॉर वो क्या होता है, जो भी आपका ऑटोकैड है उसमें उसे बेसिकली इंस्टॉल करना होता है और उसके बाद जो भी आप बिल्डिंग परमिशन की जो भी ड्राइंग रहेंगे सबमिशन ड्राइंग उसे ट्रेस करना होता है और अपने आप जो एक रिपोर्ट जनरेट होता है और ये ऑनलाइन सबमिट करना होता है। सो बेसिकली क्या मतलब हुआ कि अगर आपका काम कुछ इस तरह से है कि आप किसी स्पेसिफिक काम के लिए उसे यूज़ कर रहे हो ऑनलाइन सबमिशन के लिए, तो उस केस में जो प्लगइन होता है या फिर जो भी सॉफ्टवेयर होता है, अब ये हर स्टेट के साथ अलग अलग हो सकता है कि कहीं कहीं पर ये ऑटो डीसीआर हो सकता है, कहीं पर ये बीपीएमएस होगा, कोई और भी प्लगइन या फिर सॉफ्टवेयर हो सकता है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि हमें सिर्फ 2017 या फिर 2020 यही ऑटोकैड वर्जन जो है इंस्टॉल करना होगा और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन में भी कई चीज़ें बारीकी से देखनी पड़ती है कि जो आपके सिस्टम है उसमें रैम कितनी है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कितनी है, देन आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, बिट कौन सी है, साथ ही साथ आपका स्क्रीन का रिजोल्यूशन कौन सा है। तो ये सब चीज़ें जो है टेक्निकल चीज़ें अगर सही रही तो ही आपकी रिपोर्ट जनरेट होंगी उस केस में, ऑनलाइन केस में, ऑनलाइन सबमिशन अगर रहा तो। ठीक है, या फिर अगर आप किसी कंपनी के लिए भी काम कर रहे हैं तो यही चीज़ें रहेंगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बीट कौन सा है, देन वर्जन कौन सा है, देन टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन होता है उस हिसाब से ये चीज़ें यहाँ पर वैरी होंगी। अब देखिए जितनी भी मैंने चीज़ें कही, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को ये चीज़ें टेक्निकल वर्ड समझ में आ सके। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर हमें इतना काम, ठीक है हमें काम तो करना है ऑनलाइन में, लेकिन हमें इतना भी पता नहीं है, हम कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, हम सिंपल एक सिविल इंजीनियर है, तो हमें सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता है, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है, यही हमारा अगर प्रायोरिटी है, अगर आपका यही काम है, तो यहाँ पर मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप जो भी आपकी अथॉरिटी है उनसे एक बार बात कीजिए और जो उनके जो टेक्निकल पर्सन होंगे उनसे ये सिस्टम, ये जो सॉफ्टवेयर है ये आप इंस्टॉल करवा लीजिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको खुद इंस्टॉल करना चाहिए, देखिए अगर मैं आपको प्रोसीजर समझाने बैठूँ तो हो सकता है कि 2-3 वीडियो में ये मैं चीज़ें ख़त्म कर दूँ, लेकिन हर प्लगइन जैसे ऑटो डीसीआर के लिए एक अलग डिफरेंट सिस्टम होती है, देन बीपीएमएस के लिए एक अलग मेथड है, अगर अदर स्टेट में कोई और सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर भी ये डिफरेंट मेथड होगी, तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, जो अथॉरिटी है उनसे ही इंस्टॉल करवा के लीजिए। अब यहाँ पर ये नहीं होगा कि वो लोग मना करेंगे, इवन मेरे भी सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ऑटोकैड का, जिसमें मैं हमारे स्टेट में बीपीएमएस के केसेस अपलोड करता हूँ, तो वो खुद हमारे अथॉरिटी के जो टेक्निकल पर्सन है या फिर इंजीनियर है उन्होंने इंस्टॉल करके दिया है। इससे क्या होता है, देखिए जब भी आप उस प्लगइन पर या फिर सॉफ्टवेयर पर काम करोगे ऑटोकैड के साथ, तो जो रिपोर्ट जनरेट होगा उसमें अगर कुछ एरर आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आ सकता है कि शायद मैंने इंस्टॉलेशन करते वक्त कुछ गलती कर दी, अगर आप खुद से इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। लेकिन यही चीज़ अगर उस एक्सपर्ट ने, टेक्निकल पर्सन ने अगर इंस्टॉलेशन करके दी है, तो आप इस चीज़ पर फोकस नहीं करेंगे कि इंस्टॉलेशन में कोई गलती हुई है, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे कि शायद सॉफ्टवेयर का कोई इशू है या फिर मुझसे ट्रेसिंग में कोई गलती हो चुकी है। तो बेसिकली हम ये जो हेडेक है या फिर ये जो टेंशन है इसे बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं कि इंस्टॉलेशन के वजह से ये एरर आया है। तो इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई प्रिसाइज वर्क कर रहे हो, जैसे बीपीएमएस, ऑटो डीसीआर या फिर कोई अदर कंपनी का भी काम है, तो जो कंपनी आपको इंस्टॉल करके दे रही है या फिर अथॉरिटी आपको इंस्टॉल करके दे रही है, उसी सॉफ्टवेयर को आप फॉलो कीजिए और उन्हीं से आप ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करवा लीजिए।
अब इसमें एक और चीज़ आती है वो ये कि चलो ठीक है, ये तो रहा किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए, लेकिन मैं सिर्फ एक जनरल काम कर रहा हूँ, मुझे कोई इतना क्या बोलते डीपली वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं, मैं एक सिंपल वर्क कर रहा हूँ, तो क्या उस केस में इंस्टॉलेशन कैसे रहेगा? अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है पायरेसी, मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, बेसिकली आपको इसे परचेस करना होता है। अगर आपको फ्री में चाहिए तो इसका एक स्टूडेंट वर्जन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो स्टूडेंट वर्जन है इसमें कुछ लिमिटेशन होती है, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं का होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको आज की डेट में फ्री स्टूडेंट वर्जन 2007 का चाहिए तो वो नहीं मिलेगा। तो देखिए, अगर आप इस तरह के व्यक्ति हैं कि जिन्हें इस पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन अगर चाहिए तो आप फ्रीली लीगली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं पायरेसी के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं प्रमोट नहीं करूँगा पायरेसी के लिए, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ही चाहिए, मान लीजिए 2010, 2008 या फिर 2007, ये सब चीज़ें अगर आपको चाहिए तो वो प्रोसीजर मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, बल्कि एक सिंपल सा रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको ऑटोकैड के बारे में, मतलब बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, सिस्टम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना है, आपके आप जहाँ से ऑटोकैड आपने सॉरी आपने लैपटॉप ख़रीदा है या फिर आपकी सिस्टम आपने खरीदी है, आप उन्हीं से अगर इंस्टॉल करवा लेंगे तो ये सबसे अच्छा वे होगा। इन केस अगर आपने ऑनलाइन परचेस किया है आपका लैपटॉप या फिर आपकी कंप्यूटर, तो उस केस में जो आपके सिटी में करीब जो भी कंप्यूटर सेंटर है आप वहाँ से ही इंस्टॉल करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर यह ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मुझे ऑटोकैड इंस्टॉल कैसे करना है, उसमें क्या दिक्कत है उसके बारे में पता है। जब भी हम ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो उस केस में DLL फाइल का एरर आ सकता है, देन जो बिट वर्जन है उसका एरर आ सकता है, देन 30 डेज ट्रायल का जो उसे एरर नहीं करूँगा वो चीज़ आ सकती है, तो ये या फिर उसमें कुछ वाटर मार्क आ सकता है। अब ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं आप अगर ये सब सॉल्व करते बैठेंगे, तो अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कहूँगा कि सिंपल आप जो टेक्निकल पर्सन है, जो भी प्राइवेट में जो पर्सन है उनसे अगर आप ये चीज़ें करवा लेंगे, इंस्टॉल करवा लेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज उनके पास जो वर्जन होता है ऑटोकैड का या फिर जो भी सॉफ्टवेयर उनके पास होता है वो मल्टीपल जो सारे इंजीनियर्स होते हैं उस सिटी में वो उन्हें इंस्टॉल करके देते हैं, तो बेसिकली उनके पास एक मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट सिक्योर टाइप का जो वर्जन होता है उनके पास होता है, तो ये चीज़ मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप मेरे तरह के व्यक्ति हो कि जिसे सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बारे में भी पता है, तो फिर कुछ दिक्कत नहीं है, आप खुद इंस्टॉल कीजिए, खुद यहाँ पर वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ वार्निंग दे दूँ, अगर आप इस तरह से आपके लैपटॉप के साथ कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उससे आपके लैपटॉप की लाइफ कम होगी, साथ ही साथ आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस भी कम होगी, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको आपके अभी आज की डेट में लैपटॉप की कीमत कम से कम 40 से 90 हज़ार तक के लैपटॉप है, तो ये अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है ये कीमतें, और आपको उस चीज़ को ख़राब नहीं करना है लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को, तो फिर ये छेड़छाड़ ना करना ही ठीक रहेगा। उससे अच्छा है कि आप जो इनके लीगल फ्री वर्जन है वो डाउनलोड कीजिए। आई होप कि इस वीडियो से मदद होगी। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने ये सब चीज़ें बताई लेकिन प्रोसीजर नहीं बताई कि किस तरह से इंस्टॉल करना है। देखिए, ऑलरेडी इस टॉपिक पर कई आप सिंपल ये भी सर्च कर दीजिए यूट्यूब या फिर गूगल पर हाउ टू इंस्टॉल ऑटोकैड और कोई भी वर्जन का नाम, आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन ये जो टॉपिक था ये मुझे इसलिए बताना था क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखे, मैंने भी ट्राई किया और मैंने भी अपने सिस्टम को ख़राब किया है, तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके सामने रखा। अदरवाइज इस वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को मैं मोनिटाइज भी नहीं करूँगा, इसका मतलब इस वीडियो से मैं अर्निंग भी नहीं करूँगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।